उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार। उज्जैन शहर में आधुनिक जीवन शैली का नया पता। कॉकटेल, मॉकटेल, अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार वेज और नॉन वेज। प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाई टी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ। जोवन, क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल नानकीड़ा उज्जैन। नमस्कार, अभय न्यूज गुरुवार के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। ग्यारह मजदूरों की मौत अभी तक हो चुकी है और जो भी यहाँ पर आया वो बहुत ही गंभीर स्थिति में आया, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रहा और हम दुर्भाग्यवश हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सके। अब अभी हम एक टीम छत्री चौक भेज रहे हैं, जो जिनको कम इन्वॉल्वमेंट है उनको वहीं देख के अगर किसी को चिकित्सीय सुविधा की जरूरत होगी तो एम्बुलेंस भी रहेगी और एम्बुलेंस में हम शिफ्ट करेंगे। अवैध शराब का जहर पुराने शहर पर बीते लगभग 36 घंटे में कहर बनकर टूटा है। खाराकुआ, महाकाल, कोतवाली और जीवाजीगंज थाना क्षेत्रों के अलग अलग इलाकों से सड़कों के किनारों से पुलिस अब तक 9 लाशें बरामद कर चुकी हैं। मरने वाले सभी लोग मजदूर हैं। सस्ते नशे के चक्कर में इन सभी ने अवैध जहरीली शराब जिन जर पी थी। बुधवार सुबह से देर रात तक छतरी चौक तेलीवाड़ा इलाके से 7 लाशें बरामद की गई। गुरुवार सुबह भी दानीगेट और खाराकुआ थाने के नज़दीक से 2 और मजदूरों की लाशें मिली हैं। अधिकांश मरने वालों की पहचान कर ली गई है। मजदूरों की मौत बताती है कि पुराने शहर के कई थाना क्षेत्रों में दबे छुपे अवैध शराब का कारोबार हो रहा था। कहारवाड़ी इलाके में तो अशोक कहार नामक शख्स पिछले कई सालों से जिंजर की पोटली बेचने का काम कर रहा है। पूरे थाने के स्टाफ को इसकी जानकारी है, बावजूद इसके उस पर स्थायी लगाम लगाने के प्रयास नहीं किए गए। खाराकुआ थाना क्षेत्र में भी थाने के ठीक पीछे वाली गली में ही जिंजर बेचने का कारोबार हो रहा था। थाने वालों को इसकी जानकारी भी थी लेकिन अवैध शराब के कारोबार को नज़रअंदाज कर दिया गया। मजदूरों के शवों का पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि अधिकांश मजदूरों के स्टमक से शराब के ट्रेसेस मिले हैं। प्राथमिक स्तर पर प्रथम दृष्टया तो हमें ये देखने में आया है कि कल जो भी सीन हुआ है जिसमें से अल्कोहल पॉइजन वाले पेशेंट आए थे हमारे पास में, तो विसरा प्रिजर्व करके हमने संबंधित लैब में सेंड कर दिया है और एक आध दिन में वास्तुस्थिति क्लियर हो जाएगी। हालांकि आंतरिक परीक्षण में हमको उनके स्टमक में, पेट में थोड़े से अल्कोहल के अंश जरूर पाए। गुरुवार सुबह दानीगेट इलाके से एक और मजदूर को जिला अस्पताल लाया गया, उसकी हालत भी बेहद गंभीर बनी हुई है। इस मजदूर का नाम जीतू बताया जा रहा है। जीतू कहां का रहने वाला है फिलहाल किसी को नहीं मालूम। वह छत्री चौक सराय से मजदूरी करता था। बुधवार शाम को इस मजदूर ने भी जिंजर की पोटली पी थी। बुधवार शाम तक हमारे जिले के पुलिस अधिकारी भी इस मामले को बेहद हल्के में ले रहे थे। एएसपी शहर रुपेश द्विवेदी तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि मजदूरों की मौत अवैध जहरीली शराब के कारण हुई है। हालांकि शाम होते होते जैसे जैसे केसों की संख्या बढ़ी, पुलिस अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। गुरुवार सुबह एसपी मनोज कुमार सिंह ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर खाराकुआ थाना प्रभारी एमएल मीणा, इसी थाने के सब इंस्पेक्टर निरंजन शर्मा और 2 कांस्टेबल को निलंबित भी कर दिया है। अभी ये जानकारी मिल रही है, मैंने अभी डॉक्टर सीएमएचओ इन सबसे भी पूछा कि इनकी डेथ कैसे हुई। एक और अभी जो है हम देख के आए हैं, एक जो एडमिट था मरीज वो भी डेथ हो गई है। आईसीयू में था, उसको पूरा इलाज दिया गया लेकिन विदिन पंद्रह मिनट में वो चला गया। तो ये अवैध शराब जो ये स्प्रिट को मिला के क्या बनाते हैं वो इनने शायद पिया है। अभी विसरा भी बोला है कि विसरा उसका लिया गया है और जांच चल रही है कि इनकी डेथ कैसे हुई। डॉक्टर भी अभी ये बताने में वो नहीं हो पा रहे कि इसकी डेथ क्या पीने से हुई है, पर ये मालूम पड़ रहा है कि हाँ ये स्प्रिट टाइप को शराब जो रहती है क्या बोलते हैं उसको, इंजल जो बोलते हैं, वो बता रहे डॉक्टर कि उसको पीने से हुई है। इसकी अभी जांच चल रही है। ये एक तो अपने मैं ढाबा रोड से लेके आया हूँ, ये झिंजर जो है झिंजर से मर रहे हैं। ये एक तो गोपाल मंदिर पे झिंजर बिक रही है, वहाँ से वो पी के केमिकल मिला के और ये वो कर रहा है। और दूसरी मैं लेके आया हूँ नरसिंह घाट से। वो दारू पीता था, रोज शराब पीता था, हाँ रात में पीती। मैंने तो कल तो मालूम आया नहीं था, मैं
पर वो केक शराब पीता था रोज। ये रहते हैं अपने जालडा के पास में, थानाखेड़ी गांव में, और अभी यहाँ सराय में काम करते थे, यहीं रहते थे, घर से आ गए थे ये और यहीं रहते थे, परसों बात हुई थी हमारे। जमीन पर कब्जे के विवाद में उज्जैन के बेगमबाग इलाके में रहने वाली महिला पर खाचरोद में गोली चलाने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने 3 महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी पर SP मनोज कुमार सिंह ने 7,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम चुन्नू पिता सादिक लाला और छंगा पिता सादिक लाला, निवासी जूना शहर खाचरोद है। 12 जुलाई की शाम चुन्नू और छंगा ने 8 से 10 लोगों के साथ मिलकर खाचरोद में उज्जैन रोड के खेत पर कब्जा करने की नीयत से हमला किया था। इस हमले में शमशादबी नामक महिला को गोली लगी थी। शमशादबी मूलतः उज्जैन शहर में बेगमबाग की रहने वाली है, खाचरोद में उसका मायका है। तराना के भेरू बावड़ी इलाके में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात किसी अज्ञात बदमाश ने एक वैगनार कार में आग लगा दी। ये कार भेरू बावड़ी इलाके में ही रहने वाले दिलीप सिंह चौहान की है। दिलीप सिंह चौहान ने पुलिस को बताया है कि उनका किसी के भी साथ विवाद नहीं है। पुलिस इलाके में लगे क्लोज सर्किट कैमरों के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे किसान संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत तराना में बुधवार को सांसद अनिल फिरोजिया शामिल हुए। तराना के महितपुर नाका इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं को सांसद ने संबोधित भी किया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला भी मौजूद थे। सांसद फिरोजिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे प्रत्येक गाँव प्रत्येक किसान के घर तक पहुँचे और केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि सुधार कानूनों से किसानों को होने वाले फायदों की जानकारी दें। हम जो सदन में लाए सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन सदन में तो वो पास करा लिया, बिल बन सर्वसम्मति से हो गया। देखने में आ रहा है कि जो विरोधी दल है उसको किसानों को जनता को गुमराह करने में लगा हुआ है। तो हमको भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने निर्देशित करा कि हम भी गांव गांव जाएं, घाट चौपाल पे बैठे चौपाल चौपाल जाए और जनता के बीच में जाके इसके जो गुण है वो बताएं कि भाई इससे किसानों को कैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि किसान की आय को दुगना करना है, उसमें आढ़तीय बिचौलियों को ख़त्म करके किसान खुद अपनी फसल की कीमत तय करेगा। आज तक ये आया है कि गर्मी हो सर्दी हो या बारिश हो, किसान अन्नदाता हमारे लिए फसल उगाता है, अन्न उगाता है और जब वो मंडी में जाता है तो बिचौलिए और आढ़तीय उसके फसल का मूल्यांकन करते हैं, वो कीमत लगाते हैं, न कि वो किसान लगाता। अब किसान को ये अधिकार हो गया कि वो अपनी फसल की कीमत स्वयं लगाएगा। तो आपने देखी उज्जैन जिले की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।